पूरी दुनिया में कोई वाक हो जाए तो उसका प्रेशर उसका दबाव पाकिस्तान पर आता है दहशत गर्दी का कोई वाकया हो जाए तो उसका इल्जाम हम पर डाल दिया जाता है और दो मुल्कों के बीच जंग हो जाए तो उसका भी तमाम प्रेशर और तमाम दबाव पाकिस्तान पर आता है क्या इसमें कुछ हमारे अपने अमाल अपनी करतूतें भी शामिल है हमारा पर्सपेक्टिव भी शामिल है इसमें या फिर ये पूरी दुनिया हमारे मिलकर खिलाफ हो गई है पूरी दुनिया मिलकर हमारे खिलाफ हो गई है और हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज जारी हो रही हैं बयान आ रहे हैं इसकी वजह क्या है मैं आपको बताई देती हूं कि पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान पर यह प्रेशर आया है कि पाकिस्तान रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में अपने स्टैंड को वाजे करे ना सिर्फ यह कि अपने स्टैंड को वाजे करे बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को रशिया के खिलाफ जाकर रशिया को कंडेम करके यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए ये प्रेशर किसी एक कंट्री किसी एक प्रेसिडेंट किसी एक प्राइम मिनिस्टर किसी एक ग्रुप या किसी एक लीडर की तरफ से नहीं आया जिस तरह मैंने कहा कि पूरी दुनिया की तरफ से तो यह बिल्कुल ठीक बात है कि पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान पर यह प्रेशर आया है पाकिस्तान पर यह दबाव डाला जा रहा है के रशिया को कंडेम करें रशिया ने यूक्रेन में जो इन्वेड किया है ये यूएन चार्टर की ख़िलाफ़ वर्जी है ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाकर उसने किया है तो यूएन चार्टर की पासदारी करते हुए यूएन एन लॉज को आप एक अपना मानते हुए उसकी उसको फॉलो करते हुए आप रशिया को कंडेम करें रशिया के इस एक की मजम्मत करें और ये किसने कहा है इसमें यूरोपीय यूनियन के तमाम कंट्रीज़ इसके अलावा जापान ऑस्ट्रेलिया नॉर्वे टर्की कोई भी कंट्री आप उठा के देख लें बरतानिया से लेकर और यूरोपीय यूनियन की तमाम कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया जापान तक सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रशिया को कंडेम करना चाहिए पाकिस्तान रशिया को कंडेम क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान रशिया की मजम्मत क्यों नहीं कर रहा और यूक्रेन की सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहा तो इसलिए ये वाकई सवाल उठता है कि अगर कहीं पर जंग भी होगी तो उसका भी इल्ज़ाम या उसका प्रेशर जो है वो भी हमारे पर आएगा वो भी हमसे ही डूमोर का मुतालबा किया जाएगा हम ही से ये डिमांड की जाएगी कि डूमोर आपने ये क्यों नहीं किया आप ये कीजिए ये हुआ क्या है ख़बर कुछ इस तरीके से है कि एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और से भी पूरी डिटेल में लिखा गया है क्या है मैं आपको बताई देती हूँ कि आप जानते हैं कि यू सेशन में एक रेजोल्यूशन लाई गई और उस रेजोल्यूशन का एक वन पॉइंट एजेंडा था और वो ये था कि रशिया को अनकंडीशनली कंप्लीटली और इमीजिएटली अपनी ट्रूप्स को यूक्रेन से विड्रॉ कर लेना चाहिए क्योंकि ये यूएन चार्टर के खिलाफ है क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और उसने एक मुल्क की इंटैग्रिटी और सॉवरिटी के खिलाफ ये काम किया तो उस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया यानी पाकिस्तान ने उस बहस में हिस्सा नहीं लिया पाकिस्तान ने उस डिबेट में हिस्सा नहीं लिया इसके बाद जो लिज रोजनहाम है डेनमार्क की एम्बेसडर टू पाकिस्तान है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उनका यह कहना था कि एज हेड्स ऑफ मिशन मैं पाकिस्तान से ये डिमांड करती हूं कि पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट करे और रशिया को कंडेम करे उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने उस प्रेस रिलीज जो जारी की उसमें पूरी डिटेल में लिखा उन्होंने कहा कि जो यू सेशन है उसमें ये क्यों पेश की गई है इसका क्या एजेंडा है और इसमें क्या करना है और इसमें पाकिस्तान जो कि इस बहस से अलग रहा उसको रशिया को कंडेम करना चाहिए क्यों नहीं की उसने उसको कंडेम और साथ में उसमें यह भी बताया गया कि इससे पहले जो रेजोल्यूशन थी इससे पहले जो सेशन था उसमें थ्री कंट्रीज़ न्यूट्रल रहे जिसमें इंडिया चाइना और यू शामिल हैं लेकिन आ, उसके बाद कहा गया कि ये जो रेजोल्यूशन है इसमें पाकिस्तान को यूक्रेन का साथ देना चाहिए अब सवाल ये उठता है कि देखिए इंडिया पहले न्यूट्रल रहा पहले इंडिया ने उसमें हिस्सा नहीं लिया वोट नहीं किया और इसके अलावा यू और चाइना भी लेकिन उनके ऊपर ये प्रेशर क्यों नहीं आया उनको ये क्यों नहीं कहा गया कि आपने ऐसा क्यों किया और आप इसको जो है हम आपके खिलाफ ये प्रेस रिलीज जारी करें ये कर रहे हैं इसकी वजह जानने से पहले और इसकी वजह बताने से पहले मैं आपको यह बताई देती हूँ कि उन्होंने अपनी ट्वीट में क्या लिखा है ताकि आपके ऊपर जो सारी बात है वो वाजे हो जाए ऐस हेड्स ऑफ मिशन टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वी अर्ज टू जॉइन टू कंडेम रशिया जिग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन एंड वॉइस सपोर्ट फॉर अप होल्डिंग दू एन चार्टर एंड फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ लेकिन ये उनके ट्वीट का दूसरा हिस्सा था सेकेंड पार्ट था फर्स्ट पार्ट उनका ट्वीट उसमें उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की उस प्रेस रिलीज में जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने डिटेल में ये लिखा कि इससे पहले जो सेशन था उसमें क्या हुआ ये सेशन जो है ये इसकी रेजोल्यूशन ये है और पाकिस्तान को हम ये कह रहे हैं कि वो इसको रशिया को कंडेम करें ये सिलसिला है लेकिन इसमें सिर्फ ये एक हम ये नहीं कह रहे हम ये नहीं सोच सकते हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक हमारी जो डेनमार्क के एम्बेसडर है उनका काम है, उन्होंने लिखा है कि जैसे कि एज़ हेड्स ऑफ मिशन मैं आपसे ये कहती हूँ मैं आपसे ये सवाल करती हूँ मैं आपको अर्ज करती हूँ उन्होंने लिखा है और इससे पहले उन्होंने एक फ़ोटो भी ट्वीट किया और उसमें उस पिक्चर में पाकिस्तान में मौजूद जितने एम्बेसडर्स हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं उस पिक्चर में और यूक्रेन के अम्बेसडर भी मौजूद हैं और उसमें इन सब ने मिलकर ये कहा है कि हम आ, पाकिस्तान को ही कहते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट करें ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो यहाँ पर यूक्रेन के अम्बेसडर हैं उन्होंने सबको जमा करके ये एक मीटिंग की वो एक मीटिंग थी और उसकी फोटो उन्होंने जारी की और उसमें कहा कि पाकिस्तान में भी जो एम्बेसडर्स मौजूद हैं वो भी यही कह रहे हैं अब आते हैं उस बात की तरफ जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि आखिर क्या वजह है कि इससे पहले जितने कंट्री अपना न्यूट्रल एक पर्सपेक्टिव दिखाया अपना पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल रखा तो इसके बावजूद पाकिस्तान पर ही ये प्रेशर क्यों उन कंट्रीज पर इंडिया पर ये प्रेशर क्यों नहीं डाला गया यू पर चाइना पर ये प्रेशर क्यों नहीं डाला गया पूरी दुनिया पाकिस्तान पर ही क्यों प्रेशर डाल रही है क्योंकि वो न्यूट्रल थे फर्ज कीजिए हम ये कहते हैं कि वो तो न्यूट्रल रहे फिर भी ऐसा हुआ तो क्या हम भी न्यूट्रल रहे हम न्यूट्रल उस वक्त नहीं रहे जब उस दिन जब यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया गया और वहाँ पर बमबारी शुरू की गई तो उस दिन पाकिस्तान का डेलीगेशन रशिया में मौजूद था और वो प्रेसिडेंट पुटिन के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग का जो दौरान था वो एक घंटे से बढ़कर तीन घंटे हो गया था हमारी जो न्यूट्रलिटी है वो उस वक्त ख़त्म हो जाती है कि जब ऐसे मौके पर हम एक ऐसे कंट्री में मौजूद हों जिसको कहा जा रहा है कि वो अग्रेसर है प्रेसर है वो है या नहीं इस पर डिबेट हो सकती है इस पर बहुत सारे कंट्रीज़ अपना एक स्टैंड रख सकते हैं लेकिन इस एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया उसको कंडेम कर रही थी कि रशिया ने गलत किया देखें जब हम बात कर रहे हैं तो जो, जो कंट्रीज़ न्यूट्रल रहे उन्होंने उसी वक्त अगर यूएन सेशन में वो अपना स्टैंड अपनाया तो साथ में प्रेजिडेंट पुटन को कॉल भी की और कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं आपको ये डिप्लोमेसी के जरिए हल करना चाहिए आपको ये मामला जंग के जरिए नहीं है जंग किसी भी सूरत ऑप्शन नहीं है ये कहा गया इंडिया की तरफ से भी फ़ोन किया गया दीगर कंट्रीज़ की तरफ से भी उनको फ़ोन गए लेकिन पाकिस्तान ने उनको ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया हाँ पाकिस्तान की तरफ से ये जरूर किया गया हमने ये जरूर किया कि एक तरफ हम वहां पर बैठे हुए थे और दूसरी तरफ हम ये कह रहे थे कि हम यूक्रेन के साथ हैं ये कैसे हो सकता है मुझे बताइए अच्छा फिर इसमें एक और सवाल उठ सकता है कि ये कहा जाए कि देखें हमारा जो ये तो बायो मीटिंग थी बायो ट्रिप था हम कैसे कर देते कैंसिल हो सकता है कि रशिया को ये बहुत बुरा लगता और ऑब्वियसली वो हमारे खिलाफ हो सकता था कि ऐसे वक्त में इन्होंने ट्रिप कैंसिल क्यों किया कर दिया वो एक बड़ी ताकत है और पाकिस्तान नहीं कर सकता या पाकिस्तान का अपना एक ओपिनियन है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी जो आखिरी भी अपना जो नेशन से एड्रेस किया था उसमें भी उनका ये कहना था कि बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है और उसमें हमें देखना होगा हमें किस तरफ जाना है हम किसी के कैंप में नहीं है कई मरतबा ये बात हो चुकी इस गवर्नमेंट की इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि ये एक न्यूट्रल न्यूट्रैलिटी रखना चाहते हैं न्यूट्रल रहना चाहते हैं किसके खिलाफ न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो हैं हैं तो हैं हैं क्या तो हम इसको इस तरीके से समझे चले हम ये भी कहते हैं फर्ज कीजिए मैं ये बात मानती हूँ अपना स्टैंड होता है हम इसको इस तरह लेते हैं कि हमारा है भाई हम ये चाहते हैं कि हम किसी कैंप में ना रहे और हम उसको जो है वो इस तरह लेके चलते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा है कि ये मीटिंग करना बहुत ज़रूरी थी या इस हुकूमत का ये कहना है कि ये ट्रिप तो बहुत ज़रूरी था इसके बगैर तो बहुत ख़राब तल्लक हो जाते ये हमारी बायट्रेड मीटिंग थी हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ इसके बहुत बेनिफिट हुआ ये करना ज़रूरी था तो फिर क्या ये हुकूमत या ये डेलीगेशन या वज़ी अज़म ऐसा नहीं कर सकते थे कि वहां पर जाकर एक्साइटमेंट शो ना करते वहां पर जाते ही ये कहना कि वी आर वेरी एक्साइटेड टू कम हेयर वट ए टाइम टू कम हेयर और इस तरह की बात कि हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्या बात है कि हम एक ऐसे वक्त में यहां पर आए एक ऐसे वक्त से क्या मुराद है वट ए टाइम का क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जिस वक्त जिस दिन रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है जिस दिन उसने हमला करने का ऐलान किया जिस वक्त वो दो जंग लग रही है दोनों की वो उनके पर बमबारी करें आप उसको कह रहे हैं कि बड़े एक्साइटेड हैं तो ये न्यूट्रैलिटी आपकी खत्म हो जाती है उस वक्त आप वहाँ पे जाते हैं आप कहते हैं कि हाँ हमारी मजबूरी थी हमारी बायोलैट्रल पहले से विजिट था हम कैंसिल नहीं कर सकते थे लेकिन जब वहाँ पर जाकर हमने इतनी एक्साइटमेंट शो की और हमने ये कहा कि ये टाइम इसलिए बहुत अहम है यहाँ पर आने का हम इसलिए एक्साइटेड हैं कि इस वक्त क्या किस लिए हम एक्साइटेड हैं कि रशिया उसके ऊपर हमला कर रहा है इसलिए हो सकता है हम इसलिए एक्साइटेड हों कि ये बहुत अरसे के बाद हो रहा है ये विजिट पाकिस्तान का रशिया में क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गए हैं रशिया इस दौरान लेकिन ठीक है हम कह सकते हैं इतने अरसे के बाद हो रहा है तो वो एक्साइटमेंट शो करने के लिए हमारे जज्बात को क्या हम काबू नहीं रख सकते थे क्या हम उसको जो है वो कंट्रोल में नहीं रख सकते थे हमें देखें एक क्या कहना चाहिए कि आप जब पूरी दुनिया में रहते हैं तो आपको कुछ असूलों को जो है वो रखना पड़ता है ये तो नहीं करते आपके किसी के ऊपर हमला हो रहा और आप बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हो और आप कहें कि नहीं हमने ये इसलिए नहीं कहा कि उसके ऊपर हमला हो रहा था हम तो ये इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमारे इतने अरसे के बाद विजिट हो रहा है तो इसको तो कोई नहीं मानेगा ना कोई इसको तो वो जो आ... सेंटेंसेज uh, थे उनके जो बात की गई उस वक्त वहाँ पर पहुँच ही जो एक्साइटमेंट शो की गई वो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया गया वो जुमले पूरी दुनिया में सुने गए उनके ऊपर बहसें हुई हैं उनके ऊपर डिबेट हुई है उनके ऊपर टॉक हुई है तो आपके ख्याल में ये वाला प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए ये तो प्रेशर आना था फिर इसके बाद जो कुछ देखें इस हमें पहले ही जब ये विजिट होने होने वाला था तो ये बात कही जा रही थी कि ये गलत टाइम है क्रूशल टाइम है इसमें थोड़ा सा जरा सा तो मैं कहती हूँ ठीक है मैं तो इस बात पर हूँ कि पाकिस्तान अगर ये समझता है हम ये समझते हैं ये हुकूमत की पॉलिसी ये है कि नहीं हम तो हर सूरत जाएंगे वैसे तो नजर ऐसे ही आ रहा है कि ये सैर वफरी का सिर्फ एक विजिट था इससे कुछ हासिल नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो एड्रेस किया उसमें बड़ा ये देखा जा रहा था सोचा जा रहा था मेरा ख्याल था कि वो ज, 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 जनाब बड़ा वो करेंगे इसको बताएंगे कि रशिया के विजिट में क्या क्या हुआ और आगे हमारे क्या क्या इस सिलसिले में वो हैं स्टेप्स हम लेने लगे कुछ भी नहीं उसको टच तक नहीं किया यानी सिर्फ जस्टिफिकेशन थी कि देखें मैं जो ये कर रहा हूं तो मैं तो पाकिस्तान के लोगों के लिए फॉरेन पॉलिसी बना रहा हूं ये इतना अनएक्सेप्टेबल स्टैंड था जो उन्होंने उसमें बयान किया है कि अनबिलीवेबल कि आप उसको बताए ना आप बताते ना फिर अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था इतना सब कुछ हुआ तो आपको बताना चाहिए था उसमें लेकिन कुछ नहीं आप सिर्फ एक जस्टिफिकेशन पेश की गई कि दरअसल हम जो ये एक फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं हमारी हुकूमत ये चाह रही है तो इसका मकसद है कि हम तो यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं कुछ भी लोगों के लिए नहीं है वो जस्ट एक सैरो तफरी तो थी वो एक एक्साइटमेंट थी देखें कि देखें कितना तारीखी वक्त है ये याद रखा जाएगा लिखा जाएगा कि हम ऐसे वक्त में हम वहां पर थे डेट्स इट तो प्रेशर तो फिर आना था अब प्रेशर आ चुका है अब हम देखेंगे बहरहाल ये चीजें तो अपनी जगह पर मैंने इसलिए प्रोग्राम के आखिर में ये बात की कि हमें देखना चाहिए अपने आप को कि हमारे हमें ही किनारे पर क्यों लगाया जाता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है जो दूसरे कंट्रीज थे न्यूट्रल रहे उनको नहीं कही गई इस तरह से इसकी वजह यह है कि एक तो वो वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थे गलत टाइम पर अगर आप गलत जगह पर होंगे तो आपके साथ ये तो होगा वो कहते हैं ना हम खुद अपने आप को वो जो बोला जाता है बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी उसमें लाते हैं उस जगह पर लेकर आते हैं और फिर हम पछताते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि देखो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये प्रेशर हमारे ऊपर अच्छा देखें ना अगर हम इसको इस तरह का एक कंट्री करता है ऐसा कोई एक लीडर कर लेता सिर्फ अमेरिका ये करता है, हम कहते है, देखो वो तो है ही हमारे खिलाफ भाई आ, कोई और कर लेता हम कहते वो तो है ही वेस्ट भी हमारे खिलाफ है पूरा यूरोपीय यूनियन और पूरी दुनिया के कंट्रीज़ जो हैं वो खिलाफ हैं